Hello parents and my dear students, welcome to Adidat School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458, class 5, subject English, chapter 7, lecture number 7. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. So students, इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल से रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 163. टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 163. सो वी वर डूइंग एक्टिविटी 1 एंड फिनिश्ड Activity 1 in the previous lecture. We have to start activity 2 today in this lecture. So let us begin with the activity. The sentences given below have some underlined words. So it is said that the sentences below have some underlined words. As you can see, there are underlined words in this sentences. The sentences वाक्यों में given below नीचे दिए गए given दिए गए below नीचे have हैं some कुछ underlined words. Students, underlined words मतलब जिनके नीचे रेखाएं खींची हुई है, जिनके नीचे line बनी हुई है, that are called underlined words. Fill in the blanks choosing their opposites from the box. So you have to choose the opposites from the box and fill the blanks. Fill भरिए इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों को चूजिंग चुनकर देयर उनके ऑपोजिट्स विपरीत फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स में से ऑपोजिट्स यहाँ कहा गया विपरीत शब्दों को ऑपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उनके ही आपको विपरीत शब्द बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ब्लैंक्स को फिल करना है स्टूडेंट्स ओके सो लेट अस बिगिन विद द First one, my father works in fields and my dash helps him. So here it is said that my father works in the field and my dash helps him. My father, mere pita, works, kaam karte hain, in fields, kheton mein, and or my, mere dash helps मदद करते हैं him उनकी सो यहाँ कहा गया है कि मेरे पिता खेतों में काम करते हैं और मेरे डैश उनकी मदद करते हैं सो स्टूडेंट्स विच विल बी द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर फादर फादर का ऑपोजिट क्या होना चाहिए सबसे सूटेबल वर्ड कौन सा होगा इवनिंग बिजी मदर और कम यू हैव टू चूज फ्रॉम दिस फोर विच वर्ड विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर फादर एज ऑपोजिट विपरीत शब्दों के लिए फादर का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स यस दैट विल बी मदर यू हैव टू राइट मदर राइट एम ओ टी एच ई आर मदर ओके स्टूडेंट्स सो मेरे पिता खेत में काम करते हैं और मेरी माँ उनकी मदद करती हैं नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट द सेकेंड वन द सन राइजेस in the morning and sets in the dash so here it is said that the sun rises in the morning and sets in the dash you have to define where does it sets or when does it sets so your opposite word is morning you have to write opposite of morning the word is morning that has been underlined aapka word hai morning jiske niche underline kiya hua hai the sun surya Rises, उदय होता है इन द मॉर्निंग सुबह में एंड और सेट्स अस्त होता है इन द इवनिंग ओके सो हियर इट इज डैश सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट इवनिंग ई वी एन आई एन जी इवनिंग यू हैव टू राइट इवनिंग हियर आपको लिखना है संध्या इवनिंग का मतलब होता है संध्या सो कब सेट होता है कब अस्त होता है सूर्य इवनिंग में सो यू हैव टू राइट इवनिंग सूर्य सुबह में उदय होता है और संध्या काल को अस्त हो जाता है द थर्ड वन इज इन द विंटर सीजन वी
go to school at 9:30 a.m. and dash back from there at 3:40 p.m. So it is said that in winter season we go to school at 9:30 a.m. and dash back from there at 3:40 p.m. In the winter, सर्दियों में, season मौसम में, we हम go जाते हैं to school, school को at 9:30 a.m. सुबह 9:30 बजे और dash back लौटते हैं from there वहाँ से at 3:40 p.m. 3:40 पर, at का मतलब होता है पर, okay students, so हम 3:40 पर वहाँ से लौटते हैं. So what will be the opposite of go? यहाँ कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में हम सुबह 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं 3:40 पर, और बीच में डैश दिया हुआ है. But the underlined word is go. So आपका underlined word है वो है go. Go यानी जाना. उसका opposite students क्या होगा? It will be come. हम लिखेंगे यहाँ पर come. Come होगा go का opposite. So write C-O-M-E. Come. C-O-M-E. Come. So sentence क्या हो जाएगा? It will be like in the winter season we go to school at 9:30 a.m. and come back from there at 3:40 p.m. Okay, so moving to the fourth one. Parrot, crow, sparrow and horse were dash in their work, comma, so they did not play with Rohit who was free. So here it is said that the animals were dash in their work and hence they did not play with Rohit who was free. The word is free that has been underlined. Free word hai jise underline kiya gaya hai students. Aur yahan kaha gaya hai parrot tota, crow kaua, sparrow chidiya, ant or horse ghoda were the dash in their work अपने काम में, comma, so इसलिए they वे did not play नहीं खेले with साथ रोहित, रोहित के who जो was था free आज़ाद था स्वतंत्र था जिसके पास समय ही समय था. so यहाँ कहा गया है कि तोता चिड़िया घोड़ा और कौआ अपने काम में डैश थे और वो रोहित के साथ नहीं खेले जो कि फ्री था. सो द वर्ड इज फ्री, द अंडरलाइन वर्ड इज फ्री. आपका अंडरलाइन वर्ड है फ्री. सो उसका ऑपोजिट होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, एज द लास्ट यही ऑप्शन बचा है हमारे पास बॉक्स में से, दैट विल बी बिजी, बी यू एस वाई. वी विल राइट बी यू एस वाई, राइट बी यू एस वाई, बिजी. बिजी का मतलब होता है व्यस्त. ये सारे जानवर अपने काम में व्यस्त थे इसलिए वो रोहित के साथ नहीं खेल पाए जो कि व्यस्त नहीं था, फ्री था. सो बिजी का ऑपोजिट हो गया फ्री. स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड योर होमवर्क बिफोर 9 o'clock ऑन व्हाट्सएप नंबर 7568077458. स्टूडेंट्स आपको आज की जो एक्टिविटी है उसका फर्स्ट पार्ट आपको जो आज करवाया गया है उसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर अपनी नोटबुक में स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर 9 बजे से पहले भेज देना है एज होमवर्क, होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में. सो स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.